सहारनपुर में शनिवार को राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि तरक्की लाने के लिए आपका आशीर्वाद जरूरी है और कहा कि यूपी की राजनीति को करीब से देख रहा हूं। सहारनपुर में गंगो के पास पैठ मैदान में शनिवार को तीसरे पहर पहुंचे रालोद मुखिया जयंत चौधरी ने रहकर भारतीय जनता पार्टी पर तीखे प्रहार किए। जयंत चौधरी ने नौजवानों किसानों मजदूरों सभी को संबोधित करते हुए कहा कि जातिवाद और धर्म की राजनीति से ऊपर उठकर मुल्क की तरक्की के लिए भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकें। उन्होंने लखीमपुर खीरी की घटना को लेकर भाजपा सरकार को नए अंग्रेजों की सरकार कहा। उन्होंने कहा कि अगर हमारी सरकार बनती है तो वह खोखला राष्ट्रवाद नहीं बल्कि तकनीक से जुड़ा होगा। हम एपीजे अब्दुल कलाम के सपनों को साकार करेंगे। हमारा राष्ट्रवाद नई तकनीक से जुड़ा होगा। यूपी में अब परिवर्तन का समय आ गया है। इस्तीफा में नहीं हुआ बल्कि उनको दिल्ली बुलाया गया और उनके पीठ थपथपा दी। अमित शाह जी ने वापस भेज दिया, काम चालू रखा। तो बहुत बड़ा अपमान है, अन्नदाता का अपमान है और किसान इस बात को भूलेगा नहीं। भारतीय जनता पार्टी दावा करती है कि इस बार फुल फ्लैश आएंगे दोबारा फिर से, क्या कहेंगे आप? अब उनका किस तरह किस आधार से आंकड़े बनाते हैं, ना तो किसान की आय दुगनी हुई, ना ही जो उन्होंने वादे किए थे। हर वर्ग को आप देख लेंगे, आज कठिनाइयां उनकी बढ़ गई हैं। तो कोविड का वो जो दृश्य था, ऑक्सीजन की कमी से लोग मरे, दवाई बिस्तर लोगों को नहीं मिल पाया, अब उस पीड़ा को कैसे लोग सहते? लंबे समय से आरएलडी का वजू थोड़ा डाउन हुआ था, अब क्या लगता है 2022 में किस तरह का प्रदर्शन करेंगे आप लोग? देखिए, मैं चुनाव हार गया कोई बात नहीं, चौधरी साहब हार गए कोई बात नहीं, रिश्ते और संबंध जिन लोगों से है वे रिश्ते हम मजबूत रखे हैं और आज उनके उत्साह को देखते हुए मुझे लगता है कि पुराना समय जो था वो लौटेगा।